हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से, फिर वीकली फटाफट से छोटा छोटा सा ओवरव्यू करते हुए 15 मिनट चार्ट तक पहुंचेंगे, फिर देखेंगे आज के दिन का प्राइस एक्शन कैसे रहा, हमें आज कैसे ट्रेड करना चाहिए था, ट्रेड मिला कि नहीं मिला, और फ्रेंड्स अब क्या पॉसिबिलिटी लग रही है बाजार में और कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। वीडियो इस वजह से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें आप ट्रेड करते हैं, लाखों रुपए अपना लगा रहे हैं, तो आप माइंड नहीं करेंगे थोड़ी सी लंबी वीडियो अगर हो भी जाती है तो, ठीक है। फाइन, अब देखिए मंथली चार्ट पे ट्रेंड बाय डिप्स है, लेकिन 46,300 से लेके 46,370 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके नीचे फिलहाल ये महीना ट्रेड कर रहा है, तो जब तक इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक बुल्स के लिए थोड़ा सा डर बना हुआ है, ठीक है। अब रेंज क्या है, 43,600 का जिस वक्त ब्रेक डाउन हुआ था ये हाई बनाया था, और उसके बाद जो पुल बैक आया था वो 44,700 तक आया था, तो अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए हो जाता है वो बन जाता है फ्रेंड्स 45,800, और आज जो क्लोजिंग हुई है वो 45,800 के आसपास हुई है, यानी कि अब अगर नीचे की तरफ चलता है तो बुल्स के लिए और भी ज्यादा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। हमारे बुल्स के लिए 46,300 से 400 निकलना जरूरी है। मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं, वीकली चार्ट पे भी ट्रेंड बुलिश है, वीकली चार्ट पे भी हमारे को 46,600 का ये लेवल बता रहा है, 46,900 जाके नीचे आया, इम्पोर्टेंट लेवल 46,300-400 यहाँ पर भी हमारे को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, राइट। तो 46,600 के ऊपर हम सेफर साइड पे हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एक रेंज बन रही है 46,600 से लेके 44,400 इसमें हम पार पा जाएंगे अगर ऊपर निकलता है दैट, ठीक है। अब वीकली चार्ट से हम लोग डेली चार्ट की तरफ चलते हैं, डेली चार्ट पे क्या कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है जो कि हमें ये बताए कि हम ऊपर जा रहे हैं, या फिर डरावना सा बन रहा हो जिससे हमें पता लगे कि भाई नीचे जा रहे हैं, जिससे हम पुट में काम करें। अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो पुल बैक दिया गया, ये पुल बैक एग्जैक्टली वहीं तक आया जहां पे हमारा ये रेंज बनी हुई है। ये रेंज मैंने आज कल में नहीं बनाई, ये बहुत दिनों से बनी हुई है, जब ये बॉक्स को ब्रेक किया था, ठीक है। अब बाजार ने क्या किया, बॉक्स को रिटेस्ट किया, 46,900 लगाया, उसके बाद नीचे आ गया, पुल बैक कैंडल बनाई, आज फिर एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है, और ये ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल मैं तब मानूंगा जब ये जो नीचे का जो लोअर विक है ये टूट के बाजार इस सपोर्ट को फाइनली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक कर देता है और नीचे चल पड़ता है, ठीक है। तो बाजार के क्या नीचे आने के चांसेस हैं, देखिए यहाँ ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुई, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का 44,500 पे कंफर्मेशन हुआ, अब अगर ये नीचे की तरफ आता है तो रिस्की हो जाएगा फॉर बुल्स, ठीक है। तो 45,000 के आसपास बाजार को 44,900 के आसपास आना तो नहीं चाहिए, अगर ऊपर जाना है तो, ऊपर जाना है तो एक दो दिन कंसोलिडेट करके यहां से ऊपर निकल जाना चाहिए, ठीक है। ओवरली चार्ट की तरफ हम आते हैं, ओवरली चार्ट पे हम देखते हैं ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, आप बोलेंगे कि ये ट्रेंड लाइन तो इस तरीके से होनी चाहिए थी, ब्रेक हो गई, लेकिन फ्रेंड्स ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड इस तरीके से फॉलो हो रहा है, मैंने इसको एडजस्ट करके ये कर दिया मोटा मोटा। अब ये जो लास्ट में जो 45,700-45,600 ये जो सारे लेवल हैं ये टूट जाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन ऑफिशियली ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। तब तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा, ठीक, और नीचे भी गया तो ज्यादा 45,500 तक लास्ट होप हो जाएगी बुल्स के लिए, ठीक है। अब हम लोग ओवरली चार्ट से 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट चार्ट पे आप देखिए क्या हुआ है, 15 मिनट चार्ट पे जो हमारी और छोटे टाइम फ्रेम वाली जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है। अब आप बोलेंगे रूल हमारा ये कहता है कि ट्रेंड लाइन बन रही है, यहां कंफर्मेशन मिला, यहां पर रिटेस्ट होके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स वो तब जाती है जब हम लोग एक ट्रेंड में चल रहे होते हैं, ठीक है। ट्रेंड ये है नहीं, ये केवल एक बाउंस आया था और इस बाउंस के बाद बाजार वापस से नीचे आ गया है, बाजार ने
आज क्या बुल्स को ट्रैप किया है या फिर बाजार, सॉरी बियर्स को ट्रैप किया है या फिर बाजार कल गेन करेगा और ऊपर की तरफ निकलेगा, इसके लिए बाजार को ये 46,040 का लेवल निकालना पड़ेगा। ठीक है, 46,040-50 के इस लेवल को बाजार जैसे ही क्रॉस करेगा, पहला टारगेट बनेगा 46,180, दूसरा टारगेट बनेगा 46,350, और फिर 46,400 के ऊपर टिकता है तो फिर 46,530 का टारगेट बनेगा। ठीक है, बेस्ट ये होगा अगर बाजार ने ऊपर जाना है तो 46,040 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर निकल जाए। ठीक, नीचे की तरफ अगर कोई गैप डाउन होता है या फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए क्या है, 45,670 से 45,615 का लेवल है फ्रेंड्स। ठीक है, और जैसे ही ये ब्रेक होगा 45,500 आएगा, 45,500 के बाद थोड़ा सा रुक जाइएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिमांड जोन है, और 45,430 के नीचे अगर जाएगा तो फिर 45,200, 45,100 और इन एक्सट्रीम सिचुएशन 45,000 भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है, वैसे 45,100 के आसपास भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है क्योंकि यहाँ पे भी एक स्विंग लो बना। ठीक है, राइट, तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा कल कैसे करना है, आज कैसे ट्रेड करना चाहिए था, ये मैंने जानबूझ के बाद में रखा है, इसलिए रखा है जिससे कि जो सीरियस ट्रेडर हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो समझ सकें कि हमें आज कैसे कारोबार करना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए ये 15 मिनट चार्ट है, 15 मिनट चार्ट के ऊपर ये जो डे हाई बनाया 45,974 का बनाया, लो बनाया 45,615 का। ठीक है, अब हम 5 मिनट चार्ट के ऊपर सीधा सीधा मूव कर जाते हैं। ठीक, 5 मिनट चार्ट के ऊपर हम इसको समझते हैं और इसको मार्क कर लेते हैं इस कैंडल को। ठीक है, इस कैंडल को मार्क कर लेते हैं, इस 5 मिनट की कैंडल को। अब इस 5 मिनट की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देने में बाजार लगातार फेल हो रहा था, लगातार, लेकिन बाजार ने एक हायर बॉटम बनाया यहाँ पे, और हायर बॉटम बना के बाजार ने इस रेंज के ऊपर निकलने की कोशिश भी करी, लेकिन क्योंकि ये रेजिस्टेंस इस तरीके से था, जो रेजिस्टेंस था इट वॉज जस्ट लाइक दिस, तो वो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना के दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा लाइन ढंग से नहीं बन रही है। ठीक है, दिस वाज़ द रेजिस्टेंस जोन। अब बाजार वापस नीचे से जब ऊपर गया है तो इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास जाके गया है और फिर ये नीचे आ गया। ठीक, यहां जब पहली कैंडल बनी है 5 मिनट की, तो हमें तो नहीं समझ में आएगा कि बाजार क्या करने वाला है। ठीक है, राइट, उसके बाद वो जहां पे हमारा सपोर्ट था वहां तक भी नहीं गया, इवन यहां से ये जो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, इस लेवल से वापस से ऊपर घूमा है। ठीक है, राइट, और ये रेजिस्टेंस जोन को जाके टेस्ट कर लिया। अब रेजिस्टेंस जोन को भी नहीं निकाल पा रहा, सपोर्ट जोन को भी नहीं निकाल पा रहा, तो आज तो ये पूरी तरीके से साइडवेज बाजार हो गया। ठीक है, ये एक रेंज बन गई, नीचे का सपोर्ट जोन बन गया, ऊपर का रेजिस्टेंस जोन बन गया। अब जब आज के डे लो के नीचे निकल रहा है बाजार, तभी कल काम करेगा। आज हम इंट्रा डे में केवल ऑप्शन सेलर जो हैं वो पैसा बना सकते थे। क्यों? क्योंकि जब ये नीचे आया, यहां पर एक डबल बॉटम बनाया, तो आप यहां की या यहां की पुट सेल कर सकते थे। जब ये यहां पर गया तो यहां पर आप रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया तो कॉल सेल कर सकते थे। एज अ ऑप्शन बायर मैं यहां पे कॉल बाय करता अगर, ठीक है, 45,000 कहां पे बाय करता, मैं अगर छोटा ट्रेड लेता भी तो यहां पे कंफर्मेशन जब मिली है, ये जो कैंडल बनी है 45,850 की, मैं यहां पे कॉल बाय करता और मैं अपना टारगेट यहां पे 45,750 यानी 100 पॉइंट तक का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है, तो मैं 100 पॉइंट का ट्रेड लेता जिसमें 950, 970 जब इसने टेस्ट कर लिया मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाता। मैं ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स 880 से 980 तक के लिए प्ले कर सकता हूँ। 980 यहीं पे आ गया, आप देख लीजिए ये 12 बजे की जो कैंडल है इसने 980 लगा दिया। ठीक
ठीक है, मैं केवल एक ये ही ट्रेड ले सकता था विदा कंफर्मेशन कि भाई अब ये हायर बॉटम बना रहा है और ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो भाई यहीं पे एंट्री ले लो, 100 पॉइंट का ये रेजिस्टेंस जोन आ जाएगा। बाजार ने यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक दिया और फिर वो डे हाई जो है 46,050 उसको जाके टेस्ट कर गया। एक तो ये ट्रेड बनता था, ठीक है। दूसरा ट्रेड ये बनता था फॉर अ ऑप्शन बायर कि भाई जब ये जोन है, ठीक है, अब ये एक रेजिस्टेंस जोन था जिसके ऊपर बाजार निकलने की कोशिश कर रहा है और बार बार फेल हो रहा है, यहां पर आके फेल दे दिया। ये जो कैंडल है 1:25 पे, 25 मिनट की, इस पे जाके क्लोजिंग दे दी, यानी 45,900 पे। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको 46,050 यानी 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 45,750 होना चाहिए। फ्रेंड्स ये जो कैंडल है 2:30 बजे की, इसमें 45,754 का लो बना है, ठीक है, और थोड़ा को वेट करता तो 710 भी बना, ठीक है। तो 1:1 एक तरफ ऊपर की तरफ हमारा बन गया, 1:1 एक तरफ नीचे की तरफ बन गया। तो दो ट्रेड मिलते हैं एज अ ऑप्शन बायर, एज अ ऑप्शन सेलर। यहां पे मेरे को सपोर्ट बन गया, यहां मुझे रेजिस्टेंस मिल गया, मैं इधर पुट बेच रहा हूं, उधर मैं कॉल बेच रहा हूं, ठीक है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आई होगी कि आज किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था, और ये भी समझ में आया होगा कि कल किस कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, और राइजिंग ट्रेंड लाइन बाकी में ब्रेकडाउन दिया है। अगर फेक है तो बाजार को 46,050 के ऊपर निकलना पड़ेगा, जेन्युइन है तो धीरे धीरे बाजार नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, इसलिए ब्रेक हुई है, ये रूल जो है हमारा रीटेस्ट करके ऊपर जाने वाला वो केवल ट्रेंडिंग मार्केट में जाके टेस्ट करता है, काम करता है, ठीक है। इट्स नॉट अ ट्रेंडिंग मार्केट, इट्स अ मार्केट जहां पे बाउंस आता है। आई होप एनालिसिस अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।